हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसके अंतर्गत डोपिंग, मसाज, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, पुनर्वास एंड स्पोर्ट्स इंजरी एंड आदि टॉपिक आती हैं, जिसमें से यह स्पोर्ट्स मेडिसिन का पांचवा प्रैक्टिस सेट है। एंड दोस्तों, आपके पास अब टाइम बहुत कम है बीपीएससी एंड ईएमआरएस दोनों के लिए। जैसा कि मैं बहुत सारा प्रैक्टिस हर एक चैप्टर पर करा चुकी हूं, आप चैनल पे जाइए और चेकआउट कीजिए, सभी प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। एंड दोस्तों, जैसा कि फ्री में आपके पास इतना अच्छा कॉन्टेंट अवेलेबल है, मैं बेस्ट क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ एंड वही क्वेश्चन जो आपके लिए सेलेक्टिव होते हैं। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, पेशी मरोड़ यानी ऐंठन का क्या कारण होता है? व्हाट कॉजेज मसल्स क्रैम्प, यानी मसल्स क्रैम्प का क्या रीजन हो सकता है? तो इसके रीजन है दोस्तों, साल्ट डिफिशियंसी यानी कि लवण की कमी। साल्ट डिफिशियंसी यानी कि लवण की कमी। एंड पेशी में कोई भी चोट हो गया हो, एनी मसल्स इंजरी, अति संवादन यानी कि हाइपर वेंटिलेशन, ये सभी कारण होते हैं मसल्स क्रैम्प के लिए। ऑल ऑफ द एवम यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि पेशियों का, मसल्स का अनैच्छिक रूप से या पीड़ा में तथा स्थानिक संकुचन को क्रैम्प कहलाता है, यानी ऐंठन कहलाता है। यह लवण की कमी, अति संवातन, अत्यधिक व्यायाम के पश्चात अस्वस्थ व्यक्तियों में भी क्रैम्प हो सकता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोच, खिंचाव और टेंडन की चोटों की तुरंत देखभाल कैसे की जाती है? हाउ आर स्ट्रेन, स्ट्रेन एंड टेंडन इंजरीज ट्रीटमेंट इमीडिएटली? तो तुरंत यानी इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए कौन सा विधि अपनाएंगे इस प्रकार की चोटों के लिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बर्फ की गठरी का प्रयोग करके, यानी यूजिंग एन आइस पैक का हम यूज करेंगे, जिसे हम क्रायोथेरेपी, ठंडी चिकित्सा को हम कहते हैं क्रायोथेरेपी। यह मांसपेशी, मोच, खिंचाव, गुम्बड़, ऐठन आदि तीव्र तथा दीर्घ चोटों पर जल्द प्रभाव डालता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कि निम्न में से जेल थेरेपी को किस नाम से जाना जाता है? By which of the following names is water therapy known? तो यहाँ पे इसको जल थेरेपी को, जल द्वारा चिकित्सा विधि को जाना जाता है हाइड्रोथेरेपी के नाम से, जिसमें आपका वर्लपूल बांध, इमेसन बांध, जाकुजिया बांध आदि आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसे क्लोज चोट कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड ए क्लोज इंजरी? क्लोज इंजरी यानी कि हिंदी में घूम चोट उसको कह सकते हैं, जैसे कि अचानक से आपको चोट लग जाती है, वहां पे जगह पे उठ जाता है, यानी कि वहां पे आपका नीला पड़ जाता है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्यूजन। क्या कहते हैं? कॉन्ट्यूजन, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, हड्डियों का टूटना, अव्यवस्था और मोच का शुरू में किससे इलाज किया जाता है? तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो शुरू में इलाज किया जाता है बर्फ की थैली से, ठीक है, विद ए बैग ऑफ आइस, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विधियों में से किसमें अग्रक्रास रूपी स्नायु अक्सर घायल होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज द एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट मोस्ट ऑफ्टन इंजर्ड? तो ये इसका आपका राइट आंसर होगा फुटबॉल। क्या होगा? फुटबॉल में आपका एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट प्रभावित होता है, घायल होता है, जिसे हम हिंदी में अग्रक्रास रूपी स्नायु कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, खेल क्षेत्र में कुछ दुर्घटनाएं किसकी वजह से होती हैं? व्हाट कॉजेज सेम एक्सीडेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? तो इसका राइट आंसर है,
कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं दोषपूर्ण उपकरण यानी कि फॉल्ट इक्विपमेंट के कारण भी होते हैं। इसलिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो सही माप के और सही होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार की चोट के बाद उल्टी होती है? ओमेटिंग ऑकर्स आफ्टर विच टाइप ऑफ इंजरी? तो यह इसका राइट आंसर है सिर की चोट, ठीक है, यानी कि हेड इंजरी, यानी कि आपका जो ब्रेन पे चोट लग जाता है उस पर चोट लगने से क्या होता है कि उल्टी आती है, दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, अस्थि शोधन अवरोधन क्या है? जो दर्दनाशक और रेडियोथेरेपी दवाओं के बावजूद बने रहने वाले मेटास्टेटिक हड्डी के दर्द को राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि व्हाट इज बोन रिसेक्शन ब्लॉकेड यूज टू रिलीव मेटास्टेटिक बोन पेन द पेरिस्टिट्स डिस्पाइट पेन किलर्स एंड रेडियोथेरेपी क्लैम्प्स? तो इसका राइट आंसर होगा बिसफॉस्फोनेट। क्या होगा? बिसफॉस्फोनेट। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी अस्थि की चोट की एक किस्म में अस्थियां टूट जाती हैं? उतक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? विच बोन इंजरी इज ए टाइप ऑफ इंजरी इन विच बोन आर ब्रोकन एंड इंटरनल ऑर्गन सच एज टिश्यूज और आर्टरीज आर डैमेज्ड? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अंग होते हैं जैसे हमारे टिश्यूज आर्टरीज ये सब डैमेज हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इस प्रकार के फ्रैक्चर यानी अस्थि भंग को क्या कहा जाता है? तो इसे कॉम्प्लिकेटेड अस्थि भंग कहा जाता है, यानी कि जटिल अस्थि भंग कहा जाता है। और एक होता है आपका हड्डियां टूट करके एक हड्डी दूसरी हड्डी में घुस जाती है, यानी रगड़ खाती है एक दूसरे के साथ, तो उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर या संगठित फ्रैक्चर कहते हैं। एक होता है जो तिरछा टूटता है उसे हम कहते हैं ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर, ठीक है। एंड एक होता है कि टूटता है बट त्वचा नहीं टूटता है उसे हम सिंपल फ्रैक्चर या फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। एक होता है हड्डियां टूटती हैं साथ साथ त्वचा के बाहर निकल जाती है उसे जो है ओपन फ्रैक्चर कहते हैं या मिश्रित फ्रैक्चर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों में आम बात है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी इज कॉमन अमंग बास्केटबॉल प्लेयर्स? तो दोस्तों यहाँ पे क्या राइट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, एंटीरियर इंटरनल लिगामेंट इंजरी ऑफ द एंकल, यानी कि टखने की अग्रपार्श्विक अस्थि बंध चोट जो हमारे एंकल यानी टखने की अर्धपार्श्विक यानी कि एंटीरियर इंटरनल लिगामेंट होती है उसमें इंजरी आ जाता है, चोट लग जाती है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, त्वचा की चोट है, जैसे कि क्वेश्चन शुरू होते ही आप आंसर पर चले गए होंगे, त्वचा की चोट है जो आमतौर पर किसी अपस्कर विशेष के साथ घर्षण यानी कि रगड़ खाती है, जिस जगह अस्थि जो होती है त्वचा के काफी नजदीक हो उसे उस जगह पर गिरने की वजह से लगी चोट का कारण होता है। इज ए स्किन इंजरी विच इज यूजुअली कॉजेज by friction with a particular object by a fall on bone where the bone is very close to the skin। यहाँ पे right answer हो जाएगा, ये abrasion की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? abrasion यानी हम इसको कहेंगे खरोंच यानी कि लाल पड़ जाना, रगड़ लग जाना, ठीक है, त्वचा की चोट है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी खिलाड़ियों की चोट एक कठोर ऊतक है?
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इंजरी इज ए हार्ड टिश्यू इंजरी। तो हार्ड टिश्यू के अंतर्गत दोस्तों चोटें तीन प्रकार की हैं मुख्य रूप से, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड ज्वाइंट इंजरी एंड हार्ड टिश्यू इंजरी। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जैसे कि हमारी मसल्स टेंडन लिगामेंट की जो चोटें होती हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। जो हमारे हड्डियों की चोटें होती हैं वो कठोर यानी कि हार्ड टिश्यू इंजरी है। जो हमारे जोड़ों की चोटें जैसे डिसलोकेशन साइनोवाइटिस एंड टेंडनाइटिस ये सभी आपके ज्वाइंट इंजरी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर राइट हो जाएगा, हार्ड टिश्यू इंजरी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या होगा हार्ड टिश्यू इंजरी का, तो यहाँ पे कंधों का विस्थापन यानी कि शोल्डर डिसलोकेशन आपका राइट होगा, क्योंकि यह ज्वाइंट इंजरी है यानी कि हड्डियों की चोट है, हार्ड टिश्यू इंजरी में आ जाएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्येक रूप से एनाबोलिक प्रत्यक्ष रूप से अनाबोलिक स्टेरॉयड से प्रभावित होता है। तो दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉयड ऐसा है जो खेल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा डोपिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह डायरेक्ट अफेक्ट करता है हमारी मांसपेशियों की शक्तियों में असीम वृद्धि कर देता है, यानी कि डायरेक्टली अफेक्टेड बाई एनाबोलिक स्टेरॉयड किसको करता है, तो हमारे मसल्स को करता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा ढंग मोच के इलाज के लिए उत्तम है। तो यहाँ पे मोच के इलाज के लिए कौन सा ढंग उत्तम है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, स्प्रेन यानी लिगामेंट की चोट है, यानी कि बर्फ चिकित्सा चाहे स्प्रेन हो स्ट्रेन हो जो भी एथलेटिक्स प्रकार की चोटें हैं उसके लिए प्राथमिक रूप से तुरंत उपचार दिया जाएगा बर्फ चिकित्सा यानी आइस थेरेपी। क्या हो जाएगा, आइस थेरेपी। ये आपके मांसपेशियों की मोच मांसपेशी खिंचाव मांसपेशी ऐंठन आदि चोटों पर पड़ता है, तो हम सबसे पहले उपचार देते हैं आइस थेरेपी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू हील टर्न मसल्स। जैसा कि आप समझ गए होंगे कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को न्यूट्रिशन को तीन भागों में बांटा गया है। एक है ऊर्जा प्रदान करने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड वसा आता है। दूसरा होता है उत्तकों का निर्माण करने वाले यानी शरीर की टूट फूट को मरम्मत करने वाले जिसमें आपका प्रोटीन आता है। और तीसरा प्रकार होता है शरीर की रक्षा करने वाले जिसमें आपको विटामिन एंड खनिज लवण आता है। तो इसमें आपका क्या कह रहा है, टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन तीन चीजों से मिलकर बना है, चार चीजों से कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से, जबकि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें एक अलग तत्व पाया जाता है प्रोटीन में, नाइट्रोजन। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, खेलों में पुनर्वासन क्या प्रयोग करने से होता है। पुनर्वासन यानी पुनर्वास पुनः वापस लौटना यानी चोट लगने के बीमार होने के बाद पुनः पहले वाले स्थिति में आना ही पुनर्वासन कहलाता है। यानी खेलों में पुनर्वासन क्या प्रयोग करने से होता है, व्हाट इज यूज्ड फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा करेक्टिव एक्सरसाइज। इसके तीन मुख्य विधियां होती हैं, करेक्टिव एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी एंड साइकोलॉजिकल उपयोग होता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को इस रूप में भी जाना जाता है, मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटीज आर आल्सो नोन एज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेडिकल जिम्नास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, हैकिंग रीडिंग रिंगिंग एंड नीडिंग इत्यादि प्रकार है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हैकिंग रिंगिंग एंड नीडिंग एटसेट्रा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मसाज से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, मसाज से। जैसा कि हम बताए हैं आपको कि चार प्रकार की मसाज है, स्ट्रोकिंग प्रेशर परक्यूजन सेकिंग यानी सहलाना दबाना थपथपाना झकझोरना। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, सोना बॉथ क्या है, व्हाट इज गोल्ड बॉथ।
ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्वास्थ्य को बनाए रखने की अवशिष्ट माध्यम, नॉन स्पेसिफिक मीन्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ। यहाँ पे सोनापात स्वास्थ्य को बनाए रखने का अवशिष्ट माध्यम है। सोनापात जो है सूखी गर्मी यानी वाष्प का प्रयोग करते हैं, इससे पसीने के माध्यम से विषाक्त पदार्थ बाहर निकाला जाता है, जिससे जोड़ों या संपूर्ण शरीर के दर्द में जो है वो आराम मिलता है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, गैर उत्पादक व्यक्ति से उत्पादक व्यक्ति बनाना यह किसका उद्देश्य है? तो होच ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए नॉन प्रोडक्टिव पर्सन टू ए प्रोडक्टिव पर्सन। तो यहाँ पे कहने का इसमें तात्पर्य है कि जब आपको चोट लग जाता है यानी आप कुछ नहीं कर सकते तो नॉन उत्पादक है, फिर आपको पहले वाले स्थिति में उत्पादक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन कहने का अर्थ समझिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्वास का, रिहैबिलिटेशन का। ठीक है, पुनर्वास का यानी रिहैबिलिटेशन का। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, चोटग्रस्त खिलाड़ी का पुनर्वास किया जाता है, इंजर्ड प्लेयर्स आर रिहैबिलिटेटेड। तो कैसे किया जाता है चोटग्रस्त खिलाड़ी का? तीन विधियां होती हैं, एक होता है आपका करेक्टिव एक्सरसाइज एंड दूसरा होता है आपका फिजियोथेरेपी और एक होता है आपका साइकोलॉजिकल, उसको हम मतलब साहस बढ़ाते हैं कि वो उसका मनोबल जो है कम ना हो। तो यहाँ पे उस तीनों में से एक ऑप्शन दिया हुआ है सुधारात्मक व्यायाम द्वारा यानी कि करेक्टिव एक्सरसाइज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बृहद अभिघात है यानी इट इज ए मैसिव अटैक्स, बृहद अभिघात क्या है? तो दोस्तों चोटिल उत्तक पर पुनः आघात, यानी चोटिल पहले से है उसे पुनः चोट लग जाए तो उसे हम कहते हैं बृहद अभिघात यानी कि रिट्रेमेटाइजेशन ऑफ इंजर्ड टिश्यू। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद क्या है? द फर्स्ट पोजिशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज इज। तो इसके लिए प्रथम प्राथमिक चिकित्सा किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रायोथेरेपी। सबसे पहले चोट लगेगा तो हम बर्फ चिकित्सा ही कहते हैं, तो बर्फ यानी ठंडी चिकित्सा को हम क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्रॉस्ट बाइट चिकित्सा की समस्या कहाँ होती है? वेयर इज द प्रॉब्लम ऑफ फ्रॉस्ट बाइट ट्रीटमेंट? तो दोस्तों यह अक्सर गर्म मौसम में यानी कि हॉट वेदर में, गर्म मौसम में ज़्यादा होता है, यानी कि फ्रॉस्ट बाइट चिकित्सकीय समस्या गर्म मौसम में होती है, या ब्लिस्टर यानी कि त्वचा पर पड़ने वाले फफोले या त्वचा की ऊपरी परत पर कई वजहों से फफोले पड़ जाते हैं, त्वचा के जलने जमने, उस पर रगड़ लग जाने या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से होने वाले इन फफोलों में पानी जैसा कोई द्रव भी भरा होता है और आमतौर पर ये फूले हुए लगते हैं, इसमें भरा हुआ सीरम या प्लाज्मा कहलाता है। इसके अलावा कुछ अन्य मामलों में इन फफोलों में खून या पस भी भर जाती है, बैंडेज से आपके ब्लिस्टर यानी फफोलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट जॉन एम्बुलेंस परिषद का कार्य क्षेत्र है, द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस काउंसिल इज। तो दोस्तों सेंट जॉन एम्बुलेंस परिषद का कार्य क्षेत्र क्या है? तो यह प्राथमिक चिकित्सा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, इस प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड शब्द का सबसे पहले
प्रयोग जो है इंग्लैंड में 1879 ईस्वी में सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा अपनाया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है, आरआईसी प्रथम चरण है, तो आरआईसी प्रथम चरण है किसका दोस्तों? यह प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम चरण है। किसका है? प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम चरण है आरआईसी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेस्ट, आर से रेस्ट, फिर आई से आइस यानी बर्फ का प्रयोग करेंगे, सी से कंप्रेशन यानी दबाव डालेंगे, एंड ई से इलेवेशन यानी कि हृदय की ऊंचाइयों से ऊपर उठाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। एंड दोस्तों डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।